फिर मोबाइल दे, इसी से पूरा चोरी होता है। हाँ इसी से याद भी लगा हुआ है, देख के आते थे। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में इन्होंने लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मुख्य सर्किट जो है ये है, ये तारों के साथ इस सर्किट को बाईपास सर्किट कर दिया गया है। तो अगर आप कुछ भी इस पर क्वांटिटी तय करेंगे 500 रुपये, 1000 रुपये या 5 लीटर, तो वो आपको उससे काफ़ी कुछ कम आपको क्वांटिटी कम आएगी। जो स्क्रीन बोर्ड है जो उसमें मूल्य दिखता है या अमाउंट दिखता है बाईपास कर प्रकरण के बाद सबको सामने आया है। और जिस प्रकार प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जो भी जिलों में टीम गठित की गई है तो उसके सिलसिले में छापेमारी की गई है। और आज इस पंप पे जो छापेमारी की गई इसमें हमारी 2 मशीन डीजल पेट्रोल में जो चिप पाई गई है। अब देखिए ये हमारे मशीनों के जो इंजीनियर होते हैं जो गिल बार्कू मशीनों के इंजीनियर, उन्होंने जो बताया है इसमें, उससे ये पता चलता है कि इस चिप से संभावित तौर पे हो सकता है कि रिमोट के द्वारा भी संचालित हो सकता है या फिर ये बिना रिमोट से भी हो सकता है। रिमोट यहाँ पाया नहीं गया जो कि प्रथम दृष्टया हमने देखा है। अब जहाँ तक अनुमान जैसे लखनऊ की रिपोर्ट से पता चला था कि 1 लीटर पे 50 ML भी हो सकता है, 40 ML भी हो सकता है। चिप का मुख्यतः काम ये रहता है कि वो जो मुख्य सर्किट होता है उसको वो बाईपास कर देता है। तो हम लोग सबसे पहले 11:30-11:30 बजे के आसपास हम लोग अरुण पेट्रोलियम सैनी पे पहुँचे हैं। वहाँ 8 यूनिट है, 8 यूनिटों को हम लोग पूरी तरीके से सघन निरीक्षण किए हैं और 3 बजे तक वहाँ पर निरीक्षण किए हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक रहा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम यहाँ 3:10 पर यहाँ आ गए हैं पूरे टीम के साथ। वो एक यहाँ चेक करने का हम लोग प्रोसेस शुरू किया है जिसमें 2 यूनिट में एक डीजल और एक पेट्रोल की यूनिट है, उसमें जो है कि स्पष्ट रूप से चिप पाई गई है, उसको हम लोग सीज कर दिया गया है।